खिली रे खुटके मारे छो है, खिली रे खुटके मारे छो है, काके रे खुटके मारे छो है, छोरा चेका हकल हाय घोड़ा डागा वही कोता पायोड़ा, खिली रे खुटके मारे छो है, काके रे खुटके मारे छो है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खिंकारना बोलाना इमराज अमराई का कबूलो। मैं आपका दोस्त इमराज अमराई रोज़ आपके लिए नया ब्लाग लेकर हाजिर होता हूँ। आज मैं ब्लाग लेकर आया हूँ कि कुओं से पानी कैसे निकालते हैं। चलिए कुओं पे, अभी मैं लक भेट पे हूँ और चलिए हमारे साथ उधर चलते हैं और देखते हैं कुएं। बहुत ही सुंदर व्यू मेरे गांव का, और अभी मेरी मंजिल थी जो कुएं पे पहुंचना था मुझे और आपको दिखाना था कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। तो मैं अभी पहुंच गया हूं मंजिल पे, अभी आपको दिखाता हूं कि पानी कैसे निकाला जाता है। और ऊँट भी आज बहुत ज़्यादा कुएं पे है, तो ऊँटों की वीडियो भी आपको बताता हूँ, मैये मारवल के करल कैमल वगैरह, तो उसके बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखाता हूँ। ये कुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि कोस ऊपर रखा हुआ है, वो सामने वर्त है, वो ये जो डाग जिसको हम सांड बोलते हैं, ऊँट बोलते हैं, कैमल, उससे ये निकाला जाएगा। पीछे इसकी ये पिंगी वगैरह बोलें क्या, वो लगाई हुई है, खीली उसमें लटक रही है, आप देख सकते हो, इसको खीली बोला जाता है। और ये खीली उसको मिलाती है, अब आपके सामने कोस जो पानी का एक बड़ा एक ले आने वाला कुएं से एक होता है, उसको कोस बोला जाता है, चिबड़ी का बना होता है, जिसमें तकरीबन 5-6 केन पानी आता है। वो रस्सी की वजह से, रस्सी को हम वर्त बोलते हैं, उसकी वजह से जाता है अंदर, और बाहर निकालने के लिए ऊँट से निकाला जाता है। वो रस्सी को पींगी या तंगड़ी बोले जाते हैं, जैसे ऊँट के आप पुठी पे देख सकते हो बंधी हुई है, उसमें एक लकड़ी होती है छोटी सी सही तरीके से बनी, उसको खीली कहते हैं, उससे डालकर बांधा जाता है, फिर ऊँट को ऐसे ही घुमाया जाता है जैसे मैं घुमा रहा हूँ। मैं आपका ये जो मैं ऊँट ले जा रहा हूँ इसको बोलते हैं वारो, मैं वारा निकाल रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हेमराज हमराई, तो देखिए कैसे वारा निकालते हैं। अब मैं एक वारा निकाल कर वापस आ रहा हूँ। इस तरीके से बार बार वारा निकाला जाता है, 100 बार निकालते तब जाकर थारी लोगों की ज़रूरत पूरी होती है पानी की। पहले कोस इसके अंदर डालते हैं, उसके डालने के बाद कपूरिये में पानी आता है, जैसे आप देख सकते हो ये पानी है सामने, थोड़ा कड़वा पानी है। जब इस कपूरिये में पानी आता है तो पीछे सामने इसमें ये नाली है, और नाली से निकल कर पानी वहाँ तक चला जाता है, देश जैसे आप ये वहाँ आपको मैं दिखाता चलूँ, ये सामने वहाँ है, इसमें पानी जाता है, देख सकते हो आप, आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाऊँ, हाँ ये दिखाई दे रहा है आपको। पानी हम पीते हैं, कोस आ गया है, पानी पीने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने पानी पिया और कड़वा पानी था लेकिन टेस्टी था। अब ये
कोस को कैसे उल्टा करके पानी निकालती है और उसके बाद पानी कपूरियों में आता है। एक मरतबा फिर वो कोस को कुएं में डाला जाता है दोबारा पानी भरने के लिए। और कैसे आपको बताऊं कि मामू कैसे इस व्रत को डाल रहे हैं, वो क्या बात की जाए। ये रसा बीनने वाला काम कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई गेम हो रही है, कोई बच्चा खेल रहा है, कितनी सुंदर। ये व्रत है इसको रसा बोलते हैं, उसको जब एंडिंग होती है ये वारा निकाल कर जब पूरा पानी करता है तो फिर इसको इस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि लंबा रसा होता है इसको इस तरीके से बांधा जाता है क्योंकि दूसरे दिन फिर इसको इस्तेमाल करने में दुश्वारी नहीं होती है। ऐसे ही इसको एक छेड़ा निकाल कर कोस से बांध कर कुएं के अंदर डालते हैं तो ऐसे आसानी बासानी चला जाता है अंदर। ये अभी लास्ट है, बस वारा जो पानी निकालना था वो पूरा कर दिया, माल जो पीना था वो पी गया, अभी पानी बचा हुआ है कपूरी में, अभी ये इख्ताम हो गया है इसका वारे का। खूबसूरत मंजर हो और आपको शायरी नहीं पेश की जाए तो ये सफ़र भी अधूरा रहता है। तो लीजिए शायरी। कुएं के ऊपर और पानी के ऊपर एक बच्चा था जो वारा निकालता था, उसने अपने अल्फाज कहे, वो आपके मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खिली रे खुटके मारे चढ़ुए, काके रे कुटके मारे चढ़ुए, खिली रे खुटके मारे चढ़ुए, काके रे कुटके मारे चढ़ुए, छोरा छेका हकल हाय घोड़ा, डागा वहीं कोथा पायुड़ा, झलियो पियुआ आगे जुआ में, मथे फाथो वड़िया इया में, मोला है को बरसात कर, दादा भिया भोपा माजी सुन, तड़ाई असाना भरे दे, मुल्क मलीर करे दे, वारा में को जिंद छुटे, गाड़ियाँ रो को गंद मिटे, अगाब डार में चरण जाएं, मींजड़ा दड़ा ते फिरण जाएं, बाजरी थे बोरी भरे, बैठा रहा घरेरा घरे, मथे सरकार को सुठी आए, पानी रो को सुख करे दे, मथे ते को घड़ो खिरे, अल्लाह को नियाणिया री सुने, गरीब परेशान है के टाणे ला, थर सिके पई पानी ला, या चंडते पुगी है, असा वट रीत सागी है, खायो हक गरीबा रो, वडेरो कह मिलसे रो, अगले चक्कर अवाना मिलसे, बीजी अवाम ई पई रुलसे, अगलो चक्कर आए कोथो ड्रामो मन में माए कोथो, हत डियो डी जाए पई, बल्दिया दी इलेक्शन आए पई, चेयरमैन को सुठो थे, दुख असा जा दूर करे, हेमराज तो हमराई पलो घत, भगवान उारो भलो करे, चेयरमैन को सुठो थे, दुख असारा दूर करे, दुख असारा दूर करे। द्वारा निकाल कर इन्होंने पानी जो था वो पूरा कर लिया है, उसके बाद ये कुछ घर के लिए पानी ले जा रहे हैं और ये देख रहे हैं वो सांडे, हम इसको बोलते हैं, फीमेल जो कैमल होती है उसको सांड बोला जाता है, जो मेल होती है उसको ऊंट बोला जाता है, और सांडे मैया करल मारवल्ला, ये कैमल पानी पीते हुए उसके बाद जो पानी बचता है इस वाड़ों में स्टोर किया जाता है। ये पक्के बने हुए, कुछ कच्चे भी होते हैं, ज़्यादातर इस कुएं पे पक्के हैं, इसमें पानी रखा जाता है। दूसरे दिन जब ये ऊंट वगैरह आती है तो पानी भरते हैं। ये एक दूसरा वह आपके सामने, इसको ये झाड़ियों की कंटों वाली झाड़ियों से एक लोढ़ा देकर इसको बांधा जाता है। कैमल कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो आप सुंदर दृश्य आपके सामने। कैमल सारे मिलकर आपस में मिलजुल मोहब्बत से पानी कपूरी में मिलकर पी रहे हैं, और ये मेरा मामा ही प्रकाश, मेरा दोस्त, जो इस कैमल को सारों को संभालते हैं, बहुत ही मेहनती बंदा है। एक वीरान हुआ जिसका मतलब ये है कि गांव में कुछ ट्यूबवेल और आरओ प्लांट आ गए, उसकी वजह से लोग अभी पानी कम निकालते हैं। ये पानी पीकर अभी ऊँट है जो जंगल की तरफ जाने लगी है, अभी ये जंगल में चरकर एक दिन जंगल में रहेगी, दूसरे दिन आएगी, एक दिन पानी पीती है दूसरे दिन नहीं पीती है, इस तरीके से। आज मेरा ब्लॉग कुओं के ऊपर, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, आप सबका शुक्रिया। कैसे जो कुएं से पानी निकलता है, अब आपके दोस्त हेमराज हमराई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।